हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक हम यही देखने वाले हैं, जो है फ्रेशर्स का जो है वैकेंसीज है सिविल इंजीनियरिंग का, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा और बीटेक का क्या क्या वैकेंसीज है वो देखने वाले हैं। इसमें सारे आपको वैकेंसी जो दिख रहा है, ठीक है, जैसे बी सिविल का है, प्रोजेक्ट मैनेजर का है, मटेरियल इंजीनियर का है, सीनियर इंजीनियर हाईवेज का है, सीनियर इंजीनियर स्ट्रक्चर्स का है, सीनियर क्वांटिटी इंजीनियर, सब कुछ है। फ्रेशर के लिए ये वाला जो लाइन है आपका बी सिविल, बी डिप्लोमा इन सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर का है 3 to 8 years, और ये जूनियर इंजीनियर का है बी बी है, सिविल भी है डिप्लोमा का, और 0 to 3 years। इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और 2-3 years वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कंपनी का नाम है IRB है, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड है। तो ये देखते हैं कि इसका अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अप्लाई ना करेंगे तो ये वाला विंडो आएगा, तो शुरुआत से कैसे करनी है इस पर देखते हैं। सबसे पहले आप गूगल में जाके IRB लिख लीजिएगा, ठीक है। IRB लिखते ही आपका ये वाला ओपन हो जाएगा। ये विंडो ओपन होने के बाद इसमें ये वेलकम टू IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही फिर आपको एक विंडो ओपन होगा इस तरीके का। इस कंपनी का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, जैसे इसमें देख रहे हैं, ठीक है। उस कंपनी के डिटेल सब कुछ है, मतलब सारे डिटेल्स आप मेनू में देख भी सकते हैं, और उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट करा, मतलब 7 successfully completed project construction सारे इसमें लिखा है उस कंपनी के बारे में। अब उसमें करियर में चलिएगा, करियर में क्लिक करते ही आपका आएगा ह्यूमन रिसोर्स लाइफ एट IRB, इन दोनों तो वैसे नॉर्मल है। और यहाँ पे है करंट ओपनिंग्स एट कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, और करंट ओपनिंग है टोल में हमें मेनली नहीं जाना, इसमें जाना है करंट ओपनिंग्स कंस्ट्रक्शन ओएंड में जाना। इसमें जाते ही आपको ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये विंडो ओपन हो जाएगा आपको जो करियर्स में, इसमें जाकर अपने करंट ओपनिंग्स में इसमें जाते। ये ओपन होने के बाद इसमें एक बार आप देख लीजिए इसमें आपको कौन सा सूटेबल हो रहा है। जैसे इसमें एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और क्या पोजीशन है आपको, कौन सा डिपार्टमेंट में ये यहाँ पे दिया हुआ है, और फिजिकल स्टैंडर्ड में कुछ दिए नहीं, और प्रोफेशनल में नहीं दिए, एक्सपीरियंस में यहाँ पे दिया हुआ है, और एज ग्रुप पहले जो चार पाँच के लिए एज ग्रुप दिए उन्होंने, इस एज से इस एज का बीच में होना है, बाकी के लिए एज ग्रुप का कुछ है नहीं, और एक्सपीरियंस है यहाँ पे रहनी है, इतना एक्सपीरियंस देख लीजिएगा। फिर अप्लाई नो पे क्लिक करते ही आपका ये वाला विंडो ओपन होगा। इसमें क्या करना है, जो सेलेक्ट पोस्ट टू अप्लाई आपको जो सेलेक्ट करनी है, जैसे हाईवे आप कौन सा डिपार्टमेंट्स है, हाईवे स्ट्रक्चर नहीं तो QA QC, मतलब लैब रिलेटेड नहीं तो बिल्डिंग प्लानिंग QS, और सर्वे सुपरवाइजर, अकाउंट्स HR, एडमिनिस्ट्रेशन, लाइजनिंग में जो जाते हैं, और प्लांट एंड ऑपरेटर्स उसका है और अदर्स का है। इसमें एक बार क्लिक कर लीजिए, मैं फिलहाल इसमें जो क्लिक कर रहा हूँ बिल्डिंग प्लानिंग का, मैं स्ट्रक्चर का क्लिक कर रहा हूँ जैसे, और इसमें उसके बाद फर्स्ट नेम लिखना है। आप जैसे फर्स्ट नेम लिख सकते हैं अपना जो भी, ठीक है, जो फील्ड इसमें लिखा है ये सब सारे मतलब आपको फिल करेंगे तब जाके ये सबमिट होगा। ये सिंपली चार पाँच लाइन आपको करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट रहेगा, जैसे यहाँ पे आप सेंड कर देंगे। सिर्फ अपना एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि पहले अपना जो रिज्यूम है वो आप अपना अपडेटेड रिज्यूम जो CV है आप रेडी रखिएगा, एक मतलब अपना MS Word फाइल में, ताकि इसमें जो उस टाइम में सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली जो चीज़ है ये सब एंटर कर लीजिएगा, फर्स्ट नेम हो गया और उसका फादर नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इसमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जेंडर मेल और फीमेल, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, और आपके पैन नंबर और आधार नंबर। उसके अलावा कम्युनिकेशन एड्रेस, इसमें आप परमानेंट एड्रेस लिख सकते हैं, नहीं तो आप अभी प्रेजेंट एड्रेस जो है कम्युनिकेशन के लिए, जो आपका अगर कोई ऑफर लेटर आएगा उसके लिए जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो दे दीजिएगा। यहाँ पे आपका कौन सा स्टेट है जो आपका परमानेंट स्टेट वो लिख लीजिएगा, और सिटी और पिन कोड, नहीं तो अगर ये कम्युनिकेशन के लिए दे रहे हैं तो वही सेम भी आप लिख सकते हैं, बेटर आप परमानेंट एड्रेस ही लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। और टोटल एक्सपीरियंस आपका क्या, फ्रेशर है 0 to 2, 2 to 5, टोटल 59 अब तक है, इनमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एजुकेशनल है, पर्टिकुलर में क्या, यहाँ क्लिक करते आपको ये आएगा इसका जो ब्रांच है 12th HSC का, उसके अलावा यहाँ पे BE MCOM जो भी है, इसमें आपका BE BTEC की तीसरी लाइन पे है, तीसरी रो पे है आपका, जैसे BE BTEC ये कर सकते हैं नहीं तो डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे मैं BE BTEC कर रहा हूँ, और स्ट्रीम जो सिविल कर रहे हैं, पासिंग ईयर क्या है 2010, 2015, 2018 जो भी है, 2019 जो भी है, अगर फ्रेशर है तो 2019 होगा वो लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस,
आप किस कौन सा फील्ड में कितना साल का एक्सपीरियंस है। कोई ऐसे भी हो सकते हैं, कोई पहले हाईवे कर रहे होंगे फिर स्ट्रक्चर कर रहे होंगे, उसका सबसे जो फील्ड है वो क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बिल्डिंग बिल्डिंग क्यूएस में, तो मैं क्यूएस में इतना साल था, स्ट्रक्चर में इतना साल था, हाईवे में वो लिख लीजिए। यहाँ पे आप कौन सा कंपनी में थे, ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिएगा। फ्रम फ्रम पे आपका डेट लिख लीजिए, इस डेट से, जैसे कि मैंने 1/2/2010 से इस कंपनी से और यहाँ तक, ऐसे फ्रम और टू लिख लीजिएगा, बस इतना ही करके। लास्ट में यहाँ पे अपलोड रिज्यूम जो है चूज फाइल करके आप अपलोड कर लीजिएगा अपने रिज्यूम को, फिर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी हमने फिल नहीं किया इसलिए आपको दिस फील्ड रेगर करके कलर रेड कलर में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका इस तरीके से आप फिल करके सेंड कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी सारे के लिए है, जैसे आपका फ्रेशर से लेके सबका लिए है, जैसे 0 to 3, 3 to 8, 8 to 10। और मेनली मैं तो समझ रहा हूँ जो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले के लिए ही सिर्फ है, मतलब रियल एस्टेट वाले के लिए नहीं है, जो बिल्डिंग लाइन पे है उनके लिए नहीं है, ये ओनली मेनली आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन के लिए है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको मैंने, ये जो लिंक है, इस वेबसाइट का जो लिंक है और जो भी अगर आपको जो इसमें सारे जो लिंक है मैं अपना जो वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रहा हूँ, तो उसी से आप रेफर करके अपना क्लिक करके डायरेक्ट इस लिंक मैं आपको इसमें दे देता हूँ, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके भी इस जॉब ओपनिंग के लिए जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।